भाई थोड़ा हाथ8.2% in the first quarter of 18-19, only caused by the core sectors. And then we expect economy to grow at 7.2% in the fiscal ending 31st March. बहुत बड़ी संख्या में कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग हमारे देश के विदेशों में हैं और वो तार की चीज मैं ये कहूँ कि ज़्यादातर मुख्यतः उनका कारोबार व्यापार है या इंडस्ट्री है तो जो हमारी ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी विदेशी निवेश यहाँ करें चाहे भारतीय हों और चाहे गैर भारतीय भी हों उनका हमने स्वागत किया है और यही एक तरीका है कि देश को इकोनॉमी को एक स्पीडी डेवलपमेंट का ताकि हमारी जब हम 5 ट्रिलियन की बात करते हैं तो यही रास्ता है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने अख्तियार किया है और मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि इस देश में जब हम टेक्नोलॉजी के मुद्दे को लेके और अनुसंधान और रिसर्च के काम शुरू करेंगे तो हम खुद में भी स्वयं किसी टेक्नोलॉजी की फिर देखिए ये बैकवर्ड इलाका नहीं है काशी तो देश की यानी सांस्कृतिक राजधानी है कुंभ होता है तो काशी में पंडित लोग एंट्री करते हैं विश्व विद्वत परिषद में तो कुंभ का मेला 5 करोड़ लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो बैकवर्ड कहाँ है काशी हमारा एक प्रयास है कि हम सारे विश्व के लोगों को भारत के साथ जोड़ करके रखें हम कोई ये FDI या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को नहीं इन्वाइट कर रहे हम भारतवंशियों को प्रेरित कर रहे हैं कि वो भारत में अपना पैर जमा करके रखें दुनिया में कहीं पर भी कुछ होता है एटलीस्ट एक देश तो उनके सामने ऐसा है जहां वो वापस मुड़ के देख सकते हैं उनका अपना देश है भारत 5वीं पीढ़ी में 6ठी पीढ़ी में 7वीं पीढ़ी में लेकिन भारत वाले तो उनके अपने हैं हमारा DNA एक है हमारी सांस्कृतिक पहचान एक है उसको कोई अलग नहीं कर सकता ना ही हम उनको एज इन्वेस्टर देखते हैं हम उनको केवल झांकी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं कहाँ कहाँ वो आकर के कुछ कर सकते हैं जहाँ हैं आप वहीं रहिए हम भारत आने को नहीं कह रहे लेकिन भविष्य की संभावनाएं भारत में तलाश करते रहिए यही हमारा प्रयास है आपने अपने संबोधन में कहा कि 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी पहले जब आपके पूर्वज गए थे तब की स्थिति दूसरी थी आज बिल्कुल आपने कहा कि बदलता हुआ भारत आर्थिक रूप से सशक्त भारत लगता है कि भरोसा दिखाएंगे ये तमाम लोग जो यहाँ आए हैं भारत को अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है आज के दिन में डेटा बोलता है हमारी फिगर्स बोलती हैं हर क्षेत्र में बोलती हैं कभी सोच सकते थे 1 लाख करोड़ रुपए पर मंथ की GST कलेक्शन हमारे देश में होगी लेकिन हो रही है उसका खर्च कहाँ पर होगा हमारा जो यानी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो देश का इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि भारत के लिए लोग वीज़ा लगाने के लिए लाइन में लगे होंगे आप 2 साल बाद 3 साल बाद की कल्पना कीजिए तो ऐसा होने वाला है हमको किसी को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं हमारा काम देश का हमारे देश के लोगों की जो संभावनाएं हैं वो अपने आप से बोलेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश पश्चिमी बिहार जैसे इलाकों में भी इन्वेस्टमेंट हो क्या आपको लगता है कि इसको लेकर भी कोई फुल प्रूफ हमारे पास प्लान है कोई देखिए पूर्वी उत्तर प्रदेश से जो लोग गए हुए हैं उनका परिवेश के लोग यहीं पर हैं अगर वो भारत लौट करके आने की सोचते हैं तो स्वाभाविक रूप से अपने जो पुराना गांव है उसके आसपास ही संभावनाएं तलाश करेंगे ताकि उनके अपने लोगों का विकास हो सके तो उसके लिए किसी को अलग से इनवाइट करने की आवश्यकता नहीं है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में आओ अरे सारा पूर्वी उत्तर प्रदेश भरा पड़ा है
आप मॉरिशस में चले जाइए, फिजी में चले जाइए, फ्रेंच गयाना में चले जाइए, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, सब जगह छाया हुआ है। अलग से काहे को बुलाएंगे आप उसको? एक आखिरी सवाल, बजट आने वाला है जी, आगामी बजट से FII को क्या उम्मीद है, इंडस्ट्री को क्या उम्मीद है? देखिए, देश जिस रास्ते पे चल पड़ा है उस रास्ते पे पीछे मुड़ सकने की, पीछे देख सकने की किसी के पास इच्छा नहीं है। केवल आगे बढ़ने का मार्ग हमें दिख रहा है और हमें पूरी उम्मीद है कि जिस प्रकार से MSME के इनिशिएटिव, आयुष्मान भव योजना के इनिशिएटिव, जिस प्रकार से इनिशिएटिव्स देश की सरकार ले रही है, भविष्य के गर्भ में है। बजट में क्या आएगा उसके ऊपर कोई भविष्यवाणी करना बेकार है, लेकिन हमें पता जो भी आएगा अच्छा ही आएगा। देश एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ रहा है। ठीक, थैंक यू।